आगामी 25 अगस्त को सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा छिस्सा चौदह गुरमीत राम रहीम के मामले में सुनाए जाने वाले फैसले को लेकर कैथल जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 25 अगस्त को जिला के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए विशेष साइबर सेल गठित किया गया है जो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखेगा। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काने वाली व कानून व्यवस्था में रुकावट पैदा करने वाली आपत्तिजनक बातें शेयर करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी हरियाणा आर्म्ड पुलिस, 1 कंपनी शास्त्र सीमा बल और 200 पुलिस के जवान मधुबन से बुलाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे असामाजिक तत्वों की अफवाहों की ओर ध्यान ना दें और प्रशासन की मदद करें। कैथल से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। जी, अतिरिक्त पुलिस बल भी प्राप्त हो चुका है। 28 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं विभिन्न स्थानों के लिए जो संवेदनशील स्थान है। उसके अलावा अन्य सभी व्यवस्थाएं जो आवश्यक हैं वो कर ली गई हैं। 25 तारीख के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में अवकाश रहेगा, इसका आदेश भी अभी पहुंच जाएगा उनके पास, सुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त मेरी आपके माध्यम से भी ज़िले के सभी लोगों से अपील है कि न्यायालय के जो न्याय व्यवस्था है उसका सम्मान करें और शांति व्यवस्था को बनाए रखें ताकि किसी किस्म की कोई असुविधा लोगों को ना हो।